ंग टू पंजाब और इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग इन पंजाब दैन हाउ यू कैन डू दैट सो फर्स्टलीड टू डू डेट इज फर्स्टली गो टू दूगल वहां पर गूगल के जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है बी यू एच एस ठीक है ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है जो पहला लिंक आएगा इस वेबसाइट पर जाना है और आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हो बी एफ यू एच एस डॉट ए सी डॉट इन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दे आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हो नीचे जाने के बाद थोड़ा थो सा स्क्रॉल करो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगी क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एम बी बी एस बी डी एस एडमिशन्स अंडर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओके ये यू जी अंडर ग्रेजुएट की एडमिशन्स के लिए है इसको क्लिक कर लो इसके बाद ये एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर उन्होंने कुछ ऑप्शन या उन्होंने कुछ नोटिस दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इनवाइटेड थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट बेसिकली ये कह रहे हैं कि थर्टीन को ये नोटिफिकेशन आई थी एंड ट्वेंटी इसकी लास्ट डेट है एंड बेसिकली फॉर्म आपने उसके पहले फ़िल करना है ट्वेंटी से पहले पहले एंड ट्वेंटी फर्स्ट को ट्वेंटी फर्स्ट तक आप पेमेंट कर सकते हो उससे पहले भी कर सकते हो आपका फॉर्म फिल हो गया उसके बाद अब तक से कोई इशू आ गया तो आप पेमेंट नहीं कर पाए तो ट्वेंटी फ़र्स्ट उसकी लास्ट डेट है आप इसकी जो फ़ी है वो फिल कर सकते हो ठीक है एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नीचे नोट दिया हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अपलोड देर फोटोग्राफ ये चलिए बाद की बात है मैं पहले बताता हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे करना है ये फर्स्टली आपको ऊपर आया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक किया ये आपने कुछ स्टेप जिनमें बताया है कि ये आपको पहले लाइक ऐसी कैटी के लिए इतनी फीस है जनरल तो के लिए और अदर कैटी के लिए ये इतनी फीस है सेकेंड स्टेप कह रहे हैं आपको फोटो अपलोड करनी है ये ये सब करना है एंड या ठीक है ज कुछ है नहीं प्रोसीड नेक्स्ट कर दो आपने उसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ये आपका बेसिक एक फॉर्म ओपन हो जाएगा आपको इसको फिल करना है फिर कैसे क्या क्या पूछा है कि यहाँ पर उन्होंने यू सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन हो यहाँ पर आपने नीट का रोल नंबर डाल देना है और सर्च रिजल्ट करना है ये ये जो फील्ड है ना फर्स्ट थ्री रोज़ ये ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाएंगे उसके बाद आपको कैटेगरी फिल करनी है आप जनरल और शेड्यूल कास्ट हो बैकवर्ड क्लासेस हो बैकवर्ड एरिया क्लासेस और भी कितने किसी भी कास्ट से जैसे बिलोंग करते हो तो आप उसको फिल कर सकते हो से कि आपने कोई दो तीन कास्ट से बिलोंग ऐसा कुछ है तो कैटेगरी टू थ्री फोर आप फिल कर सकते हो माइनॉरिटी स्टेटस है ये आप फिल कर सकते हो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है यहाँ पर ये जेंडर फिल करना है यहाँ पर आपने आप एड्रेस फिल करना है यहाँ पर भी एड्रेस फ़िल करना है स्टेट फिल कर दो अपने कौन सी से स्टेट से बिलोंग करते हैं कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं वो फिल करनी है अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है ईमेल जो आपने नीट में रजिस्टर्ड ईमेल लगाई थी जो जहाँ पर आपके सभी नोटिफिकेशन आती हैं नीट की जहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था वो ई आपने यहाँ पर डालनी है आपने अपना आधार कार्ड डालना है यहाँ पर अपने अपना प्लस टू का रोल नंबर यहाँ इस यहाँ पर डालना है उसके बाद जो प्लस टू के फिज़िक्स के मार्क्स से वो यहाँ पर आपने फिल कर देने हैं प्लस टू के केमिस्ट्री के मार्क्स प्लस टू के बायो के मार्क्स ये फर्स्ट रो में आपने फिल कर देने हैं जो येलो वाली है उसके बाद प्लस वन उसके नीचे प्लस वन के मार्क्स फिजिक्स में कितने आए हैं और केमिस्ट्री में कितने आए हैं बायोलॉजी में कितने आए हैं ये आपने सब फिल कर देना है उसके नीचे आएगा प्लस टू का एजुकेशन बोर्ड आपने प्लस टू किस बोर्ड से किया है लेट्स से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से किया है से, से, सी बी एस से किया है और मतलब और भी बोर्ड जो इन सब बोर्ड आपका वो सेलेक्ट कर देनी है फिर लिखा है नेम स्टेट ऑफ प्लस वन क्लास आपने प्लस वन कौन सी स्टेट से की है तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आप प्लस वन कौन सी स्टेट से की है फिर आपने प्लस टू कौन सी स्टेट से की है वो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है बर्थ स्टेट ऑफ एप्लीकेंट आपकी जो बर्थ कौन सी स्टेट में हुआ है आप मतलब कौन सी स्टेट में ठीक है बर्थ आपने वो सेलेक्ट कर लेना है आप आर यू ए परमानेंट रेजिडेंस ऑफ पंजाब एज पर द क्लॉज पंजाब गवर्नमेंट कॉन्फिडें नोटिफिकेशन इफ़ यू आर देन यू कैन कैन सेलेक्ट यस अदरवाइज नो सो so, यहाँ पर आपने स्वोन डेक्लरेशन एक सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है डॉट जे फॉर्मेट में आपने अपलोड करना है 500 हंड्रेड के वी के पीछे ये यहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड स्वोन डेक्लेशन आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्म है क्या बेसिकली तो ये आपका फॉर्म है इसको आपने फ़िल करना है अगर आपकी लट से एज 18 है और 18 अबव है तो आप ये नीचे वाला फॉर्म फ़िल करोगे एज़ पर ए स्टूडेंट एट सर्टिफाइड एट आई डैश आपका नाम यहाँ पर आएगा आप द uh, डॉटर या सन ऑफ द वट एवर आपके पेरेंट्स का नाम आगे आएगा यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ आपका यहाँ इस ब्लैंक पे आपका एड्रेस आएगा फुल एड्रेस लिखना है आपने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है और आपने यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं आप ये फॉर्म लाइक uh, like, uh, इसका आउट निकाल के वहाँ पर आप फिल करके उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो ठीक है जे जी फॉर्मेट में ये उन्होंने कहा हुआ है एंड uh, और क्या है हाँ उसके बाद आपने कह देना है इससे यहाँ पर उसके बाद सब कुछ कर करके यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है ये दो ऑप्शनस ये कह रहे हैं कि लाइक स्टेट कोटा जो सीट्स होती हैं किसी अदर स्टेट की अगर आप पंजाब में अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी और स्टेट के कोटा की सीट्स में नहीं बैठ सकते ये बता रहे हैं ये ठीक है आपको वैसे भी मतलब ये दो ऑप्शन टिक सेलेक्ट करनी ही पड़ेंगी चेक करनी ही पड़ेंगी उसके आगे आगे नम्यूट नहीं कर पाओगे उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड करना है जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करोगे आपके पास आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आएगा आपको उसको सेव करके कहीं पर रख लेना है क्योंकि अगर वो लॉस्ट हो गया तो आप अपनी फर्दर एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाओगे ठीक है उसके बाद हाँ उसके बाद आप अपने मेन पेज पे आ जाओगे होम पे आ जाते हैं हाँ होम पे आ गए यहाँ हाँ, हाँ, पर नीचे आप कह रहे हैं कि लॉगिन करो लॉगिन आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है ऊपर एंड नीचे यहाँ पर जो उन्होंने पासवर्ड दिया है अभी आपके पास जो आया था पासवर्ड यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया है आपने यहाँ पर फिल करना है और क्लिक करना है लॉग इन पर ओके आफ्टर यू क्लिक ऑन लॉग इन यू विल सी दीज ऑप्शन व्यू एप्लीकेशन एडिट एप्लीकेशन प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट एप्लीकेशन अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी फॉर्म आपका लॉक नहीं हुआ दे आर यू आर नॉट लॉक इट विल ऑटोमेटिकली लॉक आफ्टर द कट ऑफ डेट ये कट ऑफ डेट आई गए सर ट्वेंटी फर्स्ट के बाद ही होगा गया ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट के बाद ओके तो फर्स्टली आप अपनी जो एप्लीकेशन अभी फ़िल की थी अपना फॉर्म फ़िल किया था या आप आप व्यू कर सकते हो कुछ आपको चेंजेस करनी है आप कुछ गलत फिल हो गया है आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो एप्लीकेशन को एडिट ऑप्शन तो अभी तक था ट्वेंटी ट्वेंटियथ ऑफ जुलाई तक है उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते फॉर्म आपका लॉक हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पर जो बेसिकली जो मेन चीज़ फिल करनी है कह रहे हैं कैंडिडेट साइडेस्ट टू अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर ये मेन थिंग है आपने पहले यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर फोटो क्लिक करो फोटो पर क्लिक करो यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो गया आपने करना क्या है यहाँ पर आपने अपलोड फोटो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने नीट की एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो की थी आपने यहाँ पर उसको अपलोड करना है एंड फोटो साइज़ शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी फाइव के पी जो ऑनलाइन कंप्रेशन टूल्स आते हैं आप उससे इस फोटो का साइज़ रिड्यूस कर सकते हो और यहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हो जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो डाली थी आपको वही यहाँ पर अपलोड करनी है उस मी मेक श्योर कि आपके फोटो का नीचे आपका नाम हो देन आफ्टर डैट आपने क्या करना है सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं आपने किसी कॉपी पे सिग्नेचर कर लो वाइट प्लेन के पे कर लो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लो प्रिंटर पे भी स्कैन कर सकते हो और यहाँ पर आपने जाके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है ठीक है यहाँ पर ट्वेंटी ये भी ट्वेंटी फाइव के पी तक की होना चाहिए उससे ज़्यादा उस नहीं होनी चाहिए आप कंप्रेशन टूल्स जो होते हैं इंटरनेट पर सर्च कर गूगल पर सर्च कर लेना वहाँ पर आपको मिल जाएंगे आप फोटो को साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो एंड नीचे आपने अपना लेफ्ट थम्ब इम्प्रेशन अपलोड करना है आपने क्या करना है एक पेपर लेना है वहाँ पर आपने लेफ्ट हम पे प्रिंट लगा लेना है ठीक है तो उसको फोटो क्लिक करके फोटो नहीं क्लिक करनी आपने प्रिंटर पे स्कैन करना है अभी मेक श्योर कि अगर आपके तो पास प्रिंटर नहीं है ना, तो आप किसी कैफे से जाकर इसको फिल करा लो अदरवाइज़ रिजेक्शन के चांसेस हो जाएंगे बिकॉज प्रिंटर ये वही कह रहे हैं कि प्रिंटर पे स्कैन करके सब कुछ करो ओके आगे कहेंगे और यहाँ पर नहीं कहा तो आगे कहेंगे ठीक है उसके बाद आपने आफ्टर दैट ये हो गया अपलोड पे क्लिक करना है ठीक है आप जैसे भी चूज़ फ़ाइल करोगे उसके बाद आपने अपलोड बटन पे जरूर क्लिक कर लेना तभी फ़ोटो आपकी वहाँ पर सेव होगी अदरवाइज नहीं होगी डेन यू नीड टू क्लिक ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स अदर डॉक्यूमेंट से आपने ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं यहाँ पर लेट्स से जैसे कि आपका प्लस वन की जो डिटेल मार्कशीट है वो आपने यहाँ पर चूज फाइल करो अपलोड कर दो यहाँ पर इस बटन को अपलोड को क्लिक कर देना एंड इमेज साइज़ शुड नॉट बी मोर दैन फाइव हंड्रेड के बी फाइव हंड्रेड के बी से ज़्यादा ये फोटो का साइज़ नहीं होना चाहिए क्या करो आप प्रंटर पर स्कैन कर लो उस फोटो को एंड लाइज से कि वो कुछ नाइन हंड्रेड के बी की और वन एम बी की आ गई तो उसको आप ऑनलाइन कंप्रेशन टूल्स पर जा कर ऑनलाइन लाइक सर्च कर लेना कि हाउ टू रिड्यूस दिस फाइल साइज़ ऐसे तो वहाँ पर फोटो अपलोड करो साइज़ को रिड्यूस कर लो फाइव हंड्रेड तक तो आप इसको अपलोड कर सकते हो फिर यहाँ पर प्लस टू की मार्कशीट हो जाएगी नीट का जो रिज़ल्ट कार्ड है जो आपने रिजल्ट कार्ड है उसको आप सर्च कर लो जैसे कि मैं देख रहा था कि नीट की ये साइड का स्कोर कार्ड ना चल नहीं रहा जैसे आप अभी लाइक आप गुम हो गया रिज़ल्ट कार्ड ठीक मिल नहीं रहा तो आप क्या करो वी लगा के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगा के उस वेब नीट की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर जाके अपना रोल नंबर एंटर करो आप स्कोर कार्ड की वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे ठीक है तो रिजल्ट आप निकल जाएगा वहाँ से अगर अगर आपकी साइट रील लोड नहीं हो रही स्कोर कार्ड की तो आप ऐसे कर सकते हो वी लगा के इसको कर सकते हो अगर से कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया था तो वो वो भी आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो ठीक है या कोई कैटेगरी को टू का है थ्री का है फोर का है अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो और से कि यू वांट टू अप्लाई फॉर दी एस जी आर डी अमृतसर और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना and you can upload your uh, uh, like document uh, like uh, here permanent residence certificate so ye ek main point tha isko dhyan se sunna ki let's say ki aapke paas permanent residence certificate nahi hai ye kaun sa hota hai kya upload karna hai isme देखो डोमेंसाइल परमानेंट रेजिडेंस डोमेंसाइल सर्टिफिकेट होता है तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके apply कर सकते हो तो वो आपको मिल जाएगा but अभी क्या करें अभी तो form की date निकल जाएगी आप आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर दो ठीक है आधार कार्ड की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दो एंड उस पर एड्रेस शो होना चाहिए कि ये आपका एड्रेस है ठीक है बट ये नहीं है कि आपको डोमनसाइज सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करना वो आपको अप्लाई करना है जब आपकी काउंसलिंग होगी वो आपसे वो मांग लेंगे तो फ़िलहाल ये आप आधार कार्ड अपलोड कर दो बट डोमनसाइज सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर लो अभी जाके काउंसलिंग भी वो मांग देंगे ठीक है तो बी मेक श्योर अप्लाई ज़रूर कर देना फिर तो आप कोई डॉक्यूमेंट है एक्सेंशन है कोई आपकी वो कर सकते हो अपलोड टेंथ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ जो आपकी टेंथ की मार्कशीट है ना वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है बेसिकली ये है स्वन डेक्लेशन फॉर्म तो आपने पहले ही अपलोड कर दिया था तो बी मेक श्योर कि अपलोड करने के चूज फाइल करने के बाद अपलोड बटन पर ज़रूर क्लिक करना तभी आप वो चीज़ अपलोड होगी जब आप सारा कुछ सब कुछ कर लोगे सब कुछ हो जाएगा आप इन्हें क्या करना है देखो आपने फोटो अपलोड कर दी स्क्रीनचर अपलोड कर दिया यार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए बैंक डिटेल्स मैंडेटरी तो नहीं है तो लेट्स से कुछ रिफ़ंड वगैरह होता है तो आपको तो मिल जाएगा लेट्स एक काउंसलिंग का कुछ है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो बट कर देना ऐसा सच तो मैंडेट काउंसलिंग की परस्पेक्टिव मैंडेटरी नहीं है कोई रिफंड मनी के है कोई रिफंड हो आपको कुछ ऐसा तो करना चाहे उसके बाद आपने यहाँ पर पे फी पे क्लिक करना है ठीक है वो स्टेप्स दिए है ना पर रजिस्ट्रेशन देन फोटो अपलोड दैन फीस वेरीफिकेशन आपने पे फी पे क्लिक करना है और आपने जो फीस है जो आपकी फ़ीस आएगी वो आपने यहाँ पर पेमेंट कर देनी है ठीक है उसके बाद जब आपकी फीस वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी कब होगी वो आपकी हो जाएगी ट्वेंटी ऑफ ट्वेंटी के बाद आपकी हो जाएगी ठीक है ट्वेंटी को हो जाएगी लास्ट डेट है ना ट्वेंटी तो ट्वेंटी फर्स्ट को आप अगर लेट से कि कुछ डिफ़िकल्टी आ गई आप पेमेंट नहीं कर पा रहे ठीक है तो ट्वेंटी ट्वेंटी तो फॉम लॉक हो जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट तक आप पेमेंट कर सकते हो दैन उसके बाद लो अगर आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन लॉक हो गई देन आप उस एप्लीकेशन का आप प्रिंट निकाल सकते हो तो ये एप्लीकेशन फॉम कौंसलिंग के टाइम में काम आएगा सो होप आई हैव कवर्ड दी लॉट ऑफ द बेसिक और मतलब डीप में मैंने पूरा आपको बता दिया क्या क्या होगा तो होपफुली इट विल हेल्प यू इफ यू लाइक दिस वीडियो इफ यू कम टू नो दैट फॉर्म में क्या क्या फील करना है कैसे फील करना है टो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट दी लाइक बटन थैंक यू सो मच